है शारदे माँ किड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी सेफ एट होम एंड स्टडिंग वेल टू। सो टुडे वी विल टेक चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर मेन बुक, दैट इज हनीसकल। चैप्टर नंबर 3 इज टैरोज रिवॉर्ड। ओके, सो बिफोर वी रीड द चैप्टर, इट्स लाइक इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन हु वर्क्स रियली वेरी हार्ड टू फुलफिल एंड यू नो गिव हिज पेरेंट्स सच अ गुड लाइफ। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, सो ही गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प फ्रॉम गॉड इन दिस चैप्टर। सम काइंड ऑफ मैजिक हैज़ बीन देयर। ओके, सो वील कॉन्टिन्यू एंड वील चेक वॉट इज दैट। So, Taro's Reward. The chapter's name is Taro's Reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long, he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. ये एक उस वुडकटर की कहानी है लकड़हारे की, जिसका नाम था टैरो, और वो अपने माँ बाप के साथ एक लोनली हिल साइड मतलब पहाड़ी पे रहता था जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन वो क्या करता था, जंगल में से लकड़ियाँ काटता था, पूरा दिन मेहनत करता था, फिर भी उसको बहुत कम पैसा उसके बजाय मिलता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडिड। तो इस वजह से वो काफ़ी उदास रहता था क्योंकि वो बहुत सोचने वाला बच्चा था। ही वॉज वेरी यू नो केयरिंग सन, थॉटफुल सन, जो विचार करता था अपने पेरेंट्स के बारे में कि मेरे बूढ़े माँ बाप को जिस चीज़ की ज़रूरत हो आई शुड बी रेडी टू गिव दैम, मेरे पास वो होना चाहिए। तो वो इसी चिंता में रहता था। So one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old hurt good." एक दिन शाम को वो तीनों बैठे हुए थे अपने घर में अपनी हट पे, तो तभी बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग विंड आती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, तो वो कुछ ऐसी नॉइस सी करके आती हैं, तो वो जो उनके हट के क्रैक्स होते हैं उसमें से वो बहुत ठंडी हवा उनके घर में आ जाती है विद विसल्स, और उसको उन लोगों को बहुत ठंडी लगने लग जाती है। तो इतने में सडनली टैरो के फादर बोलते हैं कि काश मैं एक कप सेक ले सकता। सेक इज़ अ काइंड ऑफ ड्रिंक इन जापान। तो वो उसको बोलते हैं, जापानीज ड्रिंक है ये, जापान की स्टोरी है। तो उससे मुझे थोड़ी बॉडी में, मेरी ओल्ड बॉडी में, मेरे ओल्ड हार्ट में थोड़ी वार्म फीलिंग आ जाती, थोड़ा मुझे गुड फील होता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। ये सुन के टैरो और ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जिस सेक की उसके पापा बात कर रहे थे दैट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और उसके पास तो वो तो सिर्फ रोज़ की रोटी ही कमा पाता था क्योंकि वो इतनी मेहनत करके भी ही वॉज नॉट अर्निंग वेल एज इट वॉज मैंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, सो हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने बोला कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे उनके लिए थोड़ी सी सेक वाली ड्रिंक लेकर आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने सोचा कि मुझे और पहले से भी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर कॉन्टिन्यूइंग इट प्लीज़ कीप इन माइंड यू नीड टू राइट वर्ड मीनिंग बिफोर राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लास्ट चैप्टर में आई फॉरगॉट टू टेल यू, इन दिस चैप्टर दैट इज़ व्हाई आई एम रिपीटिंग, यू शुड राइट हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर एंड दोज यू वॉन्ट टू राइट फ्रॉम डिक्शनरी ऑल्सो यू कैन राइट, एंड डोंट राइट इट इन हिंदी, राइट इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स। ओके बेटा, सो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू फॉरेस्ट। अगले दिन वो सुबह रोज के टाइम से जल्दी बेड से उठ जाता है और अपने काम को चल पड़ता है जंगल की तरफ। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंड। वो तो इतनी अर्ली मॉर्निंग में चला जाता है और जब तक सूरज निकलता है तब तक वो काफ़ी सारे पेड़ काट लेता है। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। सूरज निकल गया तो गर्मी बढ़ गई तो उसको अपनी जैकेट रिमूव करनी पड़ती है। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। पूरे चेहरे पे पसीना था लेकिन जो मुंह था उसमें बहुत ड्राइनेस थी क्योंकि उसको प्यास लगी थी। ओके, थक गया था वो काम कर करके। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। कहता मेरे पापा देखो काश वो भी ऐसे गर्म हो पाते, क्योंकि बहुत ठंडी की बात बताई ना, ठंडी में। अब इसको तो गर्मी में काम कर रहा है ये, उस विंटर में भी तो भी ही इज़ वर्किंग सो हार्ड कि इसको स्वेट आ गया। तो कहता काश मेरे फादर की भी बॉडी ऐसे थोड़ी वार्म हो सकती।
एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोचता हुआ उसने और ज्यादा पेड़ काटने शुरू किए. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन. तो उसने सोचा कि मैं काश जल्दी जल्दी ज्यादा पेड़ काट लूँ, मुझे ज्यादा पैसे मैं कमा पाऊँ, तो उससे क्या होगा कि जो मेरे बूढ़े पापा की हड्डियाँ हैं उनको थोड़ा आराम मिलेगा, वो सेक की जो ड्रिंक उनको चाहिए वो ड्रिंक मैं उनको ला के परचेज करके दे सकता हूँ. देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी वो एकदम से पेड़ काटने रुक गया. व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, उसको लगा कि किस चीज की आवाज है जो उसने सुनी. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी की आवाज है. टैरो कुडंट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. टैरो को याद नहीं है कि वो तो रोज जंगल में आता है कि कहीं पे ऐसा कोई बहने वाला झरना या कोई ऐसा फॉरेस्ट में उसको कभी ऐसे पानी की आवाज़ नहीं आई. ही वॉज वेरी थर्स्टी. थर्स्टी क्यों था, बिकॉज ही वॉज डूइंग वर्क फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग, तो उसको बहुत प्यास लग रही थी. द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. जो कुल्हाड़ी थी जिससे वो पेड़ चॉप कर रहा था, ट्रीज काट रहा था, तो उसने वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई और वो पानी की जहाँ पे डायरेक्शन जो साउंड आ रही थी उसको पानी की, उस डायरेक्शन में ही स्टार्टेड रनिंग. टैरो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तभी उसने क्या देखा कि एक सुंदर सा वाटरफॉल है पेड़ के पीछे. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. तो नीलिंग मतलब वो ऐसे घुटनों के बल उस पानी के जहाँ पे वो धीरे आ रहा था पानी, वहाँ पर बैठ गया. एंड ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, जैसे हम अपने हाथों का ऐसे कप सा बना के पानी पीते हैं ना, किसी ऐसे ग्लास को अगर हमने मुँह ना लगाना हो किसी जग में से तो ऐसे करके कोई दूसरा हमें पिलाए, तो ऐसे रनिंग वाटर उसने अपने हाथ का कप बनाकर पिया. जैसे ही वो उसको लिप्स को लगे उसके अंदर वो गया. वॉज इट वाटर, वो कहते क्या ये पानी था. और वॉज इट सेक, उसको लगा क्या ये सेक थी. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने दो तीन बार उसको टेस्ट किया, तो वो क्या था, इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. वो ठंडे पानी की जगह वो सेक वो ड्रिंक थी जो उसके पापा ने उससे डिमांड की थी. डिमांड एक्चुअली नहीं की थी, ही जस्ट थॉट ऑफ इट, उसने बोला कि इतनी कोल्ड में अगर मुझे सेक मिल जाए. ये तो वो बच्चा इतना अच्छा था, दैट टैरो वॉज सो लविंग फॉर देयर एंड केयरिंग फॉर देयर फैमिली, कि वो इतना थॉटफुल था कि उसको लग रहा था अगर मेरे फादर ने बोला है तो आई शुड अरेंज दैट फॉर हिम. सी ओके, टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम, जैसे जो भी उसके पास पिक्चर था, घड़ा मटका जो भी था, जग सा, उसने उसको भरा और फटाफट अपने घर चला गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, उसके फादर जो थे वो बहुत खुश हो गए. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक घूट पीते ही उनकी वो सर्दी जो थी खत्म हो गई और वो फटाफट से खड़े होके, शिवरिंग उनकी बंद हो गई और वो खड़े होके डांस करने लगे. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. तभी उस दिन उनके घर पे कोई एक पड़ोसी उनसे मिलने आ गया. Taro's father politely offered her a cup of the sake. तो जो लेडी उनसे मिलने आई थी उसके पापा ने उसको वो सेक का कप ऑफर कर दिया. The lady drank it greedily, उसने बड़े लालच में उसको पिया. एंड थैंक द ओल्ड मैन, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा ना कि दे आर नॉट वेरी रिच, तो ये कैसे उन्होंने ये ड्रिंक अरेंज की है. और मगर वो फटाफट पी गई क्योंकि दैट वॉज एक्सपेंसिव ड्रिंक. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, इसलिए लालच में पिया उसने. देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तो वो बोला था, उसको पता नहीं था, उसने वो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी उस लेडी के आगे बोल दी. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और उनको थैंक्स करके उस ड्रिंक के लिए और वो फटाफट वहां से भाग गई. बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, जब तक रात होती तब तक उसने वो पूरे गाँव में ये बात फैला दी थी मैजिक वॉटरफॉल की. ओके, दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, उस दिन तो उनके घर में पूरी बारात लग गई थी वुड कटर के घर में लोगों की आने की, विजिटर्स की. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वॉटरफॉल, हर किसी ने उनकी स्टोरी सुनी. एंड टूक अ सिप ऑफ द सेक, और सब ने एक एक सिप उस सेक का पिया. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और वो तो एक ही मटका छोटा सा भर के लाया था जो उसके पास था, तो वो खाली हो गया फटाफट. नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, जिस टाइम वो निकला था उससे और भी जल्दी वो नेक्स्ट मॉर्निंग काम के लिए निकल पड़ा. और आज वो अपने साथ बड़ा पिक्चर लेकर गया था. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, जो उनके घर में सबसे बड़ा था मटका वो उसको लेकर गया. फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वॉटरफॉल,
तो उसने सोचा था कि मैं सबसे पहले जाके वाटरफॉल से इसको फिल करूंगा. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसको इतनी हैरानी लगी, सारे उसके गांव के लोग वहां पहुंचे हुए थे. दे वर कैरिंग पिचर्स, जार, बकेट, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. जो भी वो ले जा सकते थे, जिसमें भी वो मैजिक सेक भर के ला सकते थे, वो उसको लेकर वहां पर पहुंच गए थे. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. तभी एक विलेजर बैठा घुटनों के बल और उसने सेम वैसे ही पानी पिया. तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया. फिर वो चिल्लाया गुस्से में कि नहीं, ये तो सिर्फ पानी ही है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन सेक नहीं थी, दैट वॉज ओनली कोल्ड वाटर. ओके, वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. हमें धोखा मिला है, हमें झूठ बोला गया. वेयर इज टैरो, लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. चलो उसको इस वाटरफॉल में धक्का मार देते हैं, डुबा देते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. वो छुप जाता है जब उसने ये सब बातें सुनी होती है, तो वो उनको मिलता ही नहीं है टैरो. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. और फिर वो अपने गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में, क्योंकि वो तो सब लालच में आ गए थे सेक की, तो वो सारे वहां से एक एक करके गायब होने लगते हैं. टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड, वॉज द सेक अ ड्रीम. कहते हैं कि सच्ची की वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आके बोलता है कि क्या सच में ये मेरे को धोखा लगा है, सेक जो था दैट वॉज ड्रीम. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप. फिर उसने अपने हाथ में लिया और होठों पे लगाया, तो वो सेम वही फाइन सेक थी जो उसने कल ली थी. टू द थॉटफुल सन द मैजिक, इसको अंडरलाइन करेंगे, टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस. मतलब जो बच्चा सबके लिए विचार करता है, जो बेटा अपने पेरेंट्स का अच्छा सोच रहा है, उसके लिए वो सेक ही था और बाकी सबके लिए दैट वॉज ओनली कोल्ड वाटर. ओके, सो द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. जापान के राजा तक ये बात पहुंची. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि 20 सोने की मुद्राएं उसके पास भेजी, उस वुड कटर को भेजी, ताकि जो वो इतना अच्छा और इतना काइंड नेचर का है, जो अपने पेरेंट्स का इतना सोचा है. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उन्होंने अपनी सिटी में टैरो के नाम पे एक सुंदर से फाउंटेन का नाम भी रखा. दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ऑबे देयर पेरेंट्स. वो बोलते हैं ये जापानी स्टोरी पे ही बनी हुई है. ओके, ये रियल की स्टोरी है. तो उसमें बोला गया है कि जो एम्परर था उसने ये नाम इसलिए दिया था ताकि जो बाकी आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, दे शुड लव एंड ऑबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें और उनको प्यार करें. ओके, सो हाउ वॉज द स्टोरी? इट वॉज वेरी नाइस स्टोरी, वेरी गुड मॉरल इन इट. यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट टू एवरी एल्डर्स एट योर होम. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू पोएम, दैट इज द क्वेरल. क्वेरल मीन्स वॉट? क्वेरल इज लड़ाई झगड़ा. ये तो सबको पता होगा बहुत आराम से, है ना. इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर. दिस इज अ पोएम बाय एलेनियोर फार्जियन. ओके, सो जो बहन भाइयों का झगड़ा होता है, ऑल दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल. बहन भाइयों को पता भी नहीं होता है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, बट कितनी देर तक वो लड़ते रहते हैं, कैसे वो एंड अप करते हैं, ये आप लोग डिस्कस करेंगे हम लाइफ क्लास में, आप लोगों के भी झगड़े. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट पोएम. आई एम गोइंग टू रीड दिस एंड एक्सप्लेन इट टू यू. आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट. अपने भाई से लड़ता था लेकिन पता नहीं किस लिए. वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद एक झगड़े. एंड सम हाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. कई बार तो हम लड़ते लड़ते थक जाते थे, गिर जाते थे. स्टार्ट तो उसकी धीरे से होती है, लेकिन जो एंड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. वो बोलता है वो ठीक था, मैं बोलता हूँ तू गलत था. ठीक है, तो ऐसे हमारे झगड़े होते. वी हेटेड वन अनदर, एक दूसरे से हम बहुत नफरत करते हैं. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जो दोपहर है वो काली हो जाती है. देन सडनली माई ब्रदर, मतलब दोपहर से शाम हो जाती है, ठीक है, रात हो जाती है, लेकिन हम लड़ते रहते हैं. देन सडनली माई ब्रदर थंप्ड मी ऑन द बैक, आके वो मेरी पीठ पे हाथ रखता है एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि हम पूरी रात नहीं लड़ सकते. आई वॉज इन द रॉन्ग, चलो मैं गलत था. सो ही वॉज इन द राइट. अगर वो ऐसे बोल देता है तो वो इसका मतलब सही होता है. ठीक है, दैट इज अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बोथ द थिंग्स. लेटर ऑन थिंग्स वील डिस्कस इन लाइव क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.